नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, धीरे धीरे हमारे भारत की जितना भी अदरक उत्पादित करने वाला क्षेत्र है, हर जगहों में अभी पिछले साल का जो भी पुराने माल था, पुराने बाड़ी था, वो धीरे धीरे कम होते आ रहा है। और इसी की वजह से अभी हर मंडियों में, छोटी बड़ी हर मंडियों में माल का क्राइसिस है। लेकिन एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि माल कम है, माल की क्राइसिस की वजह से रेट तो काफ़ी हाई है, रेट बहुत ज़्यादा है। और हर साल इस टाइम में कंपेरेटिवली सीज़न का जो रेट होता है, उस रेट से इस टाइम में रेट काफ़ी हाई रहता है। लेकिन देखा जाए कि कोई कोई क्षेत्र में, कोई कोई जगहों में बाज़ार का भाव तो ठीक ठाक है, लेकिन बिक्री थोड़ा कम है। इसका मूल कारण क्या है? आप लोगों के मन में भी अभी क्वेश्चन होता होगा कि हमारे एरिया में तो माल बहुत कम है या तो कम निकल रहा है, लेकिन बिक्री काफ़ी ढीला है, यानी बिक्री कम है, रेट तो ठीक ठाक है। तो इसका कारण हो सकता है कि उस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा हो, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा है, उसकी वजह से भी बिक्री कम हो सकता है। और अदरक की रेट ज़्यादा हाई हो जाने की वजह से काफ़ी सारे लोग इस फसल को खरीद नहीं पाते हैं, खाने के जो ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी खरीद के खाते हैं, मतलब जब ज़्यादा खाने का मन करता है। ऐसे तो सस्ता होने से इसको हर कोई खरीद के खा सकता है और इसका बिक्री भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी इसका हाई रेट की वजह से बिक्री थोड़ा सा कम है और हर कोई इसे खरीद के नहीं खा पा रहा है। तो दोस्तों, जो भी हो, अदरक का भाव लेकिन इस साल काफ़ी अच्छा रहा, अभी भी अच्छा है और आगे कुछ दिनों में भी बाज़ार ठीक ठाक ही रहेगा। बिक्री कम है लेकिन धीरे धीरे होते रहेगा। लेकिन जब नया माल निकलेगा, नया माल निकलना शुरू हो जाएगा इस साल लगाया वाला, तो उसके बाद बाज़ार में कुछ एक बदलाव आ सकता है। अभी हमारे यहाँ शांतिपुर में वही पोजीशन है, 130-135 रुपया पुराने माल का रेट है और 100 रुपया नया माल का रेट है। तो ये सब माल छोटी छोटी मंडियों में अभी बिक्री हो रहा है, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगा। धन्यवाद। जय हिंद।